अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट वासिफ अली और आप देख रहे हैं क्रिक टेल्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मुकाबला है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, पहला टेस्ट मुकाबला, जहां पर इन दोनों टीम्स के दरमियान इससे पहले जो है वो 3 T20 मैचेस की भी सीरीज खेली गई थी, लेकिन अब जो है वो टेस्ट सीरीज का आगाज होने वाला है। और इस सीरीज के अंदर, इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे कि ये मैच कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा, दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 क्या है, विन प्रोबेबिलिटी जो है वो विन प्रिडिक्शन क्या है, साथ साथ लाइव स्ट्रीमिंग कहाँ पर आएगी और पिच रिपोर्ट क्या है। तो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस मुकाबले की हासिल करने के लिए आप सभी जो है हमारे साथ ही बने रहिएगा। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल बात की जाए कि ये मैच कब, कहाँ और कितने बजे खेला जाएगा, तो ये मैच जो है वो इन दोनों टीम्स के दरमियान 26 नवंबर 2021 को सुबह 9 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक और 9:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक जो है वो चिटागोंग से खेला जाएगा। दोस्तों, ये वाला मुकाबला जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम से जो है वो ये वाला मुकाबला इन दोनों टीम्स के दरमियान खेला जाएगा, जहां पर T20 सीरीज के अंदर पाकिस्तान की टीम ने बांग्लादेश की टीम को जो है वो क्लीन स्वीप किया था, बहुत ही जबरदस्त किस्म की क्रिकेट खेलते हुए हमें दिखाई दी थी। सारी की सारी सीरीज जो है वो लो स्कोरिंग रही थी, लेकिन एक्साइटिंग क्रिकेट हुई थी और यकीनी तौर पर क्रिकेट फैंस ने उस सीरीज को एंजॉय किया और यही उम्मीद कर रहे होंगे फैंस के यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज है, ये भी इन दोनों टीम्स के दरमियान अच्छी ही होगी। विन प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते तो दोस्तों, पाकिस्तान के जीतने के चांसेस लगभग 75-80% हैं, क्योंकि पाकिस्तान की टीम का कॉन्फिडेंस लेवल, मोरल लेवल काफ़ी हाई है और वैसे भी ऑन द पेपर्स पाकिस्तान की टीम जो है वो अच्छी टीम दिखाई दे रही है टीम बांग्लादेश से। और बांग्लादेश की टीम को पिछली ही सीरीज के अंदर जो उन्होंने टेस्ट सीरीज खेली थी अपनी होम कंडीशंस के अंदर, उसके अंदर हार का भी सामना करना पड़ा था, तो इस वजह से पाकिस्तान की टीम को सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेवर कर रही है। अब हम बात करेंगे गाइज यहाँ पर दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 के हवाले से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नज़र दौड़ा लेते हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के हवाले से, बल्कि बांग्लादेश की प्लेइंग 11 के हवाले से, उसके बाद हम बात करेंगे टीम पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के हवाले से। तो दोस्तों, बांग्लादेश की टीम के अंदर हैं शादमान इस्लाम जो कि ओपनर हैं और उनका साथ देंगे मोहम्मदुल हसन जॉय, ये दोनों जो हैं वो ओपनर रहने वाले हैं टीम बांग्लादेश के। नंबर 3 पर रहेंगे नाजमुल हुसैन शांतू, जो कि इनके कह लीजिए कि T20 सीरीज के अंदर भी हमें खेलते हुए दिखाई दिए थे और अच्छी फॉर्म जो है वो दूसरे T20 मैच के अंदर इन्होंने शो की थी। अब देखते हैं कि टेस्ट सीरीज के अंदर जब इनके पास टाइम ही टाइम होगा तो इनकी जो है वो क्रिकेट कैसी रहने वाली है। इसके बाद बात की जाए दोस्तों यहाँ पर नंबर 4 के प्लेयर की, तो वो हैं कप्तान मोमिनुल हक, जो कि पिछली कुछ सीरीज से बांग्लादेश की कप्तानी कर रहे हैं और सीनियर्स प्लेयर जैसे कि तमीम इकबाल टीम स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, साथ साथ शाकिब अल हसन जो है वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, तो उनकी गैर मौजूदगी में इनका रोल जो है वो बहुत ही अहम रहने वाला है। जिसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं नंबर 5 के प्लेयर की, तो वो रहने वाले हैं मुशफिकुर रहीम। जी हाँ दोस्तों, T20 सीरीज के अंदर ये नहीं खेले थे, लेकिन टेस्ट मैच सीरीज के अंदर जो है वो इनकी वापसी हुई है और इनके आने से यकीनी तौर पर टीम बांग्लादेश की जो बैटिंग लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथिन होगी और बांग्लादेश की टीम जो है वो हमें अच्छे से सर्वाइव करते हुए दिखाई देगी टीम पाकिस्तान की बॉलिंग के सामने। जिसके बाद बात की जाए यहाँ पर नंबर 6 के प्लेयर की, तो वो रहने वाले हैं यासिर अली। जी हाँ, यासिर अली जो कि T20 सीरीज का भी हिस्सा थे, अब उनको टेस्ट मैचेस का भी हिस्सा बनाया गया है, जो कि हमें खेलते हुए दिखाई देंगे इस पहले टेस्ट मैच के अंदर। जिसके बाद नंबर 7 पर लीतन दास, जो कि विकेट कीपर बैट्समैन हैं, ये भी T20 सीरीज जो है वो वर्ल्ड कप के बाद मिस कर गए थे, लेकिन अब ये हमें टीम बांग्लादेश टीम टेस्ट मैचेस के अंदर शामिल होते हुए दिखाई देंगे। जिसके बाद नाम आता है दोस्तों नंबर 8 के प्लेयर का, और वो रहने वाले हैं ताजुल इस्लाम, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बॉलर हैं। एंड नंबर 9 पर स्विन बॉलर मेहदी हसन मेराज जो हैं वो दोस्तों खेलने वाले हैं टीम बांग्लादेश के अंदर, एक और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के स्विन बॉलर हैं। एंड साथ साथ नंबर 10 पर रबुल जायद जो हैं वो दोस्तों टीम बांग्लादेश के स्क्वाड का हैं हिस्सा, और नंबर 11 पर अबादत हुसैन जो हैं वो फास्ट बॉलर हमें खेलते हुए दिखाई देंगे टीम बांग्लादेश के अंदर। तो दोस्तों, ये प्लेइंग 11 रहने वाली है टीम बांग्लादेश की, जो कि पहले टेस्ट मैच के लिए सेलेक्ट की जा सकती है। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं टीम पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की, तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 शेयर करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि जल्दी से वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं टीम पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की, तो 12 प्लेयर्स का ऐलान जो है वो दोस्तों मैच से पहले ही कर दिया गया था बाबर आजम की तरफ से, तो अब उन 12 में से 11 प्लेयर्स खेलेंगे
जहां पर जो प्लेइंग 11 है दोस्तों वो कुछ यूं रह सकती है। ओपनर रहने वाले हैं इमाम उल हक जो कि सीनियर प्लेयर हैं, वनडे क्रिकेट बहुत ही लाजवाब खेलते हैं, 50 रन की एवरेज है वनडे क्रिकेट के अंदर और टेस्ट मैच के अंदर भी इनको टाइम जब मिलेगा तो यकीनी तौर पर खूबसूरती के साथ इस टाइमिंग का और अपनी फॉर्म का जो है वो अच्छे से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इमाम उल हक जो कि लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन है टीम पाकिस्तान के, नंबर दो पर आने वाले हैं दोस्तों। इनके साथ आबिद अली की शुरुआत टेस्ट मैचेस के अंदर बहुत ही उम्दा हुई थी जब उन्होंने पाकिस्तान में ही टेस्ट मैचेस की शुरुआत की थी और सेंचुरी के साथ जो है वो अपनी शुरुआत की थी आबिद अली ने, लेकिन उसके बाद जो है वो इनका बल्ला इतना अच्छा नहीं चला था कुछ मैचेस के अंदर, लेकिन यहां पर इनके पास कम बैक करने का एक अच्छा मौका है। एंड नंबर तीन पर बात की जाए तो दोस्तों नंबर तीन पर रहने वाले हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान अजहर अली, जिन्होंने टेस्ट मैच क्रिकेट के अंदर एक ट्रिपल सेंचुरी भी लगा रखी है और बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो अजहर अली ने एक सेंचुरी भी लगा रखी है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर अजहर अली जो है वो दोस्तों उनका बल्ला चलता है इस पहले टेस्ट मैच के अंदर या नहीं चलता। इसके बाद बात की जाए नंबर चार के प्लेयर की तो वो है पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, नंबर सात पर हैं ये आईसीसी टेस्ट मैच रैंकिंग के अंदर। पहला जब इनकी शुरुआत हुई थी टेस्ट मैचेस के अंदर तो इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल सके थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने टेस्ट मैचेस के अंदर बहुत ही उम्दा क्रिकेट खेली, लेकिन साल 2021 के अंदर भी वही हाल है, इतना अच्छा है जो है वो इनका बल्ला नहीं चला हुआ। और यही एक बात है कि इनकी एवरेज पहले जो है वो आपको बताता चलो कि नंबर 46 की थी, लेकिन उसके बाद कम होकर अब 42 की हो चुकी है। पहले इनकी आईसीसी टेस्ट मैच रैंकिंग भी नंबर 3 की थी, लेकिन अब जो है वो दोस्तों अब नंबर 7 पर चले गए हैं। तो बाबर आजम के लिए एक बड़ा इम्तिहान रहने वाला है क्योंकि T20 मैचेस के अंदर ऑलरेडी जो है वो इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल सके बाबर आजम, तो अब देखते हैं कि टेस्ट मैचेस के अंदर इनका बल्ला जो है वो सही से चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। इसी तरह बात की जाए नंबर 5 के प्लेयर की तो दोस्तों वो रहने वाले हैं फवाद आलम, किसी तारफ के मोहताज नहीं है। 11 साल के बाद इनका टीम पाकिस्तान के अंदर कम बैक हुआ साल 2020 के अंदर और जब से ये आए हैं लगभग हर सीरीज के अंदर एक सेंचुरी बना रहे हैं और बता रहे हैं कि इनके साथ ज्यादती हुई, लेकिन अब ये टीम स्क्वाड का हिस्सा है तो उम्मीद करेंगे कि लंबे टाइम तक चलेंगे और जब तक ये खुद रिटायरमेंट नहीं देते तब तक इनको टीम से ड्रॉप नहीं किया जाएगा। तो फवाद आलम जो है वो दोस्तों टीम स्क्वाड के अंदर है शामिल। जिसके बाद बात की जाए नंबर 6 के प्लेयर की तो वो रहने वाले हैं मोहम्मद रिजवान। जी हाँ, T20 क्रिकेट के अंदर ये पाकिस्तान का हीरा है और T20 के अंदर ये साल 2021 के अंदर सबसे ज्यादा रन बना चुके हैं और इसी वजह से नंबर 4 पर आ गए हैं दोस्तों। साल जब 2021 शुरू हुआ था तो कोई इनको जानता नहीं था इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, लेकिन इतनी तरक्की की इन्होंने साल 2021 के अंदर सबसे ज्यादा रन भी बनाए इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर और ओवरऑल भी, एंड साथ साथ नंबर 4 पर भी आ गए हैं। लेकिन अब जो गेम वो है वो थोड़ी डिफरेंट है दोस्तों, जहां पर अब टेस्ट मैचेस के अंदर ये हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। इसी तरह बात की जाए यहां पर नंबर 7 के प्लेयर की तो वो ऑलराउंडर प्लेयर फहीम अशरफ जो है वो टीम पाकिस्तान का हिस्सा रहेंगे इस पहले टेस्ट मैच के लिए। इनका फायदा ये है कि बॉलिंग भी कर लेते हैं, एक आध विकेट भी दे जाते हैं पर इनिंग्स, और साथ साथ बैटिंग में भी अपनी टीम का हाथ जो है वो अच्छे से बटा जाते हैं, तो ये एक मेन प्लेयर रहेंगे दोस्तों इस मुकाबले के अंदर। इसके बाद बात की जाए नंबर 8 के प्लेयर की तो दोस्तों वो हैं नुमान अली, एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के स्पिन बॉलर हैं और बैटिंग भी कर लेते हैं। तो दोस्तों जो प्लेयर बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी कर ले उसका बहुत फ़ायदा हो जाता है कभी कभार, क्योंकि जब आपका टॉप ऑर्डर थोड़ा फेल हो जाए तो फिर जो है वो मिडिल ऑर्डर में इस किस्म के प्लेयर जो है वो आपको काफ़ी मदद दे सकते हैं। तो नुमान अली का रोल बहुत ही अहम रहने वाला है इस सीरीज के अंदर। इसके बाद बात की जाए नंबर 9 के प्लेयर की तो दोस्तों वो रहने वाले हैं हसन अली। साल 2021 के अंदर अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स हसन अली ने सबसे ज़्यादा विकेटों को अपने नाम कर रखा है, तो इनकी परफॉर्मेंस दोस्तों बता रही है कि इनको टीम के अंदर होना चाहिए और इसी वजह से ये टीम पाकिस्तान का हिस्सा है। एंड नंबर 10 पर शाहीन शाह अफरीदी जो है वो दोस्तों टीम पाकिस्तान का है हिस्सा। जहां पर शाहीन अफरीदी की बात की जाए तो इन्होंने साल 2021 के अंदर दूसरी सबसे ज्यादा विकेटों को अपने नाम का रखा है और बिल्कुल पास पास है ये हसन अली के, तो इन दोनों प्लेयर्स के दरमियान अच्छा मैच जो है वो दोस्तों पड़ सकता है इस सीरीज के अंदर कि कौन सा प्लेयर जो है वो ज्यादा विकेटों को अपने नाम करता है। एक अच्छा पॉजिटिव जो है वो दोस्तों कंपैरिजन जो है वो इन दोनों प्लेयर्स के दरमियान किया जा सकता है। जिसके बाद बात की जाए नंबर 11 के प्लेयर की तो वो टीम पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हैं सेकंड स्पिनर साजिद खान। साजिद खान की जहां तक बात की जाए तो एक जबरदस्त किस्म के परफॉर्मर हैं डोमेस्टिक के अंदर और इसी वजह से साजिद खान को जो है वो टीम पाकिस्तान के अंदर शामिल किया गया है। अब तक अपना डेब्यू कर चुके हैं, लेकिन अब देखते हैं कि यहां पर इन कंडीशंस के अंदर इनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस कैसी रहती है। तो दोस्तों ये प्लेइंग 11 रहने वाली है टीम पाकिस्तान की। अब अगर हम बात कर लेते हैं यहां पर पिच के हवाले से तो ये ग्राउंड जो है वो दोस्तों
नेचुरली तौर पर जो है वो स्पिन बॉलर्स को मदद देता है, लेकिन अब देखते हैं कि इस मुकाबले के अंदर पिच का बिहेवियर कैसा रहता है। स्लो विकेट रहेगी, लो विकेट रहेगी और स्पिन बॉलर्स को जो है वो दोस्तों मदद मिलने वाली है इस विकेट के ऊपर। तो टॉस को जीतने के बाद जो भी टीम टॉस को जीतेगी उसकी तरफ से बैटिंग ही ली जाएगी, क्योंकि शुरुआती ओवर्स के अंदर ये विकेट के ऊपर गेंद जो है बल्ले के ऊपर अच्छी आएगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे आपको बताता चलूं कि गेंद कभी अप रहेगी कभी डाउन रहेगी, जिसकी वजह से बैट्समैनों को गेंद को टाइम करना इतना आसान नहीं रहेगा और इस तरह जो है वो दोस्तों दिक्कत में आ सकते हैं बैट्समैन। तो ये वाली सिचुएशन जो है वो उस टीम के लिए बेहतर रहेगी जो पहले बैटिंग कर लेगी और बोर्ड के ऊपर एक अच्छा खासा स्कोर जो है वो दोस्तों सजा देगी, ताकि बाद में चौथी इनिंग्स के अंदर या चौथे पांचवें दिन के अंदर उसको जो है वो दिक्कत का या मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों ये पिच की सिचुएशन रहने वाली है। अब अगर हम बात कर लेते हैं लास्ट में यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग की, तो ये वाला मुकाबला जो है वो आपको पाकिस्तान में पीडीवी स्पोर्ट्स के ऊपर, इंडिया में है तो आपको ये वाला मैच फैन कोर्ट के ऊपर लाइव देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ बांग्लादेश में गाजी टीवी एंड टी स्पोर्ट्स। इसी तरह दोस्तों बात की जाए यहाँ पर अगर स्काई स्पोर्ट्स के ऊपर, सुपर स्पोर्ट्स के ऊपर एंड विलो क्रिकेट के ऊपर आपको ये वाला मुकाबला जो है वो लाइव देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों पहला टेस्ट मैच है इन दोनों टीम्स के दरमियान जो कि खेला जाएगा 26 तारीख को, और 26 तारीख को सुबह के वक्त 8 बजे आप हमें ज्वाइन करना ना भूलिएगा इसी सेम चैनल के ऊपर। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के निशान को दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप क्या मेरी प्लेइंग 11 से मुतफिक हैं, या फिर आपके ख्याल से अब्दुल्ला शफीक जो कि 12वें प्लेयर हैं उनको टीम के अंदर होना चाहिए, या आपने हमें देना है बता, कर देना वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर एंड बाय बाय।